सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज हम लाए हैं ज़बरदस्त टिप्स हैं और ये मैं टूथपेस्ट से बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कि हमें अपने नील्स कैसे वाइट करना है। ये देखें मेरे नाखून और ये येलो येलो हो रहे हैं थोड़ा सा। और सारी टिप्स मैं आज टूथपेस्ट से बनाऊंगी, कॉलगेट टूथपेस्ट। तो हम यहाँ पे टूथपेस्ट लगाएंगे मैं एक हाथ पे करके बता रही हूँ ताकि आपको रिजल्ट पता चले। ये हमने लगाया है, मैं इसको थोड़ा सा फैला लूँगी पूरे नाखूनों पे, हम इसे फैला लेंगे और इसको सिर्फ 30 सेकंड हम इसको लगाएंगे। तो अभी हम वेट करते हैं। ये देखें जी, इसको हमने छोड़ दिया था 30 सेकंड के लिए। अब हम ब्रश को पानी में डिप करेंगे और इसका ब्रश करेंगे, मसाज करेंगे हल्के हल्के। और इससे आपकी नाखून बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे और मैं अक्सर करती रहती हूँ। ये देखें मेरे नाखून और ये वाले देखें, आपको फ़र्क लग रहा होगा। इससे नाखून बहुत जल्दी पिंक हो जाते हैं। ये देखें और ये वाले देखें, एकदम साफ हो जाएंगे। ये वाला हाथ देखें और ये देखें, दूसरा बोल। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा हम ये डालेंगे टूथपेस्ट, हाफ टेबल स्पून, थोड़ा सा रोज वाटर डालेंगे, ये देखें टूथपेस्ट और थोड़ी सी चीनी। ये हमारा रेडी हो गया। हम अपने होठों का मसाज करेंगे, चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर ये टूथब्रश होता है इससे भी कर सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 30 सेकंड मसाज करना है, 30 सेकंड मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसको हटा देंगे और फिर ठंडे पानी से धो लेंगे। और नंबर 3 हम टूथपेस्ट लेंगे, थोड़ा सा ब्रश में लगाएंगे और अपनी नोज एरिया पर अच्छा सा मसाज करेंगे। नोज़ एरिया पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हैंड्स वगैरह होते हैं, तो जहाँ पे भी आपके ब्लैक हैंड्स हैं वहाँ पे आप टूथपेस्ट लगाएं। लगाने के बाद हल्का सा ब्रश करें आप इसको, और ब्रश करने से आपके ब्लैक हैंड भी ख़त्म हो जाते हैं और स्किन आपकी फेयर होगी और क्लियर हो जाएगी। ये हो गई नंबर 3 टिप। तो अब हम बनाएंगे एक्ने के लिए, जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने निकलती है तो वो उनके लिए मैं बनाऊंगी। या मैं लूँगी टूथपेस्ट हाफ टेबल स्पून, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शहद बराबर मकदार में, हाफ टेबल स्पून, और थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब हम इसे अपने दानों पे लगाएंगे जहाँ हमारे एक्नी है या हमारे दाने हैं। पूरे चेहरे पे नहीं लगाएंगे, दाने पे लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट में। ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी, इससे आपकी बहुत जल्दी एक्नी के निशान वगैरह ख़त्म होंगे, दाग धब्बे दूर होंगे और क्लियर स्किन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे खाली बॉल। अब हम बना रहे हैं स्क्रब, नमक हाफ टेबल स्पून, इसमें हम डालेंगे, ये हो गया। हम इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे राइस फ्लावर, रोज वाटर से हम इसका स्क्रब बना लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे
और हम इसे लगाएंगे अपने पूरे फेस पे और गर्दन पे। तो सबसे पहले अपना फेस को धो लें, धोने के बाद ड्राई करें, फिर इसको पूरे फेस पे लगाएंगे। ऐसे लगा इसका हल्के हाथों से स्क्रब करें और स्क्रब करने के बाद 1 से 2 मिनट इसका स्क्रब करें, फिर उसके बाद स्किन को धो लें। ये देखिए जी, इससे स्किन बहुत अच्छी फेयर हो जाएगी और स्क्रब करने से दाग धब्बे भी दूर होंगे और ब्लैक हैंड भी रिमूव हो जाएंगे। बनाएंगे स्किन वाइटनिंग मास्क और ये बहुत ज़बरदस्त है, आप एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैदा 1 टेबल स्पून, राइस फ्लावर 1/2 टेबल स्पून, इसमें हम डालेंगे दही 1 टेबल स्पून, एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून और विटामिन ई ऑयल 4 से 5 कतरे। बिल्कुल थोड़ा सा लिया मैंने, थोड़ा सा रोज वाटर के साथ हम इसे एक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया। हम सबसे पहले अपने फेस को धो लेंगे, धोने के बाद ड्राई करेंगे। मैं हाथ पे करके बता रही हूँ, आप लोग अपने फेस पे कीजिएगा। ये मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद मैं ऐसे 5 से 10 मिनट छोड़ूंगी। ये देखिए जी, इसको मैंने 5 मिनट छोड़ा है खाली। तो हम हल्के हाथों से इसका मसाज करेंगे और 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे, फिर उसके बाद हम ठंडे पानी से धो लेंगे। ये देखिए जी, मैंने कर दिया मसाज, अब मैं आपको स्किन धो के दिखाती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को और न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। ये देखिए जी, मेरा हाथ डेथ स्किन इससे निकल गई है और इस हाथ में बहुत डेथ स्किन है, ये देखिए, और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। बहुत इजी आसान है और सारे इंग्रीडियंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। सारी आज मैंने आपको जितनी भी टिप्स सिखाई हैं सब टूथपेस्ट से मैंने बनाई है। और एक बात और बता दूँ, सेंसिटिव स्किन वाले पहले ट्राई कर लें थोड़ा सा लगा के, फिर उसके बाद ये कीजिएगा। अगर आपको जलन ज़्यादा हो रही है टूथपेस्ट लगाने से तो ये यूज़ ना करें। आज मैंने आपको 6 टिप्स सिखाई हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं वो भी देखेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर भी दे दूँगी, तो वहाँ पर भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो ज़रा सी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।